क्या सही में राहुल गांधी अमेठी जीतना चाहते हैं? क्या सही में राहुल गांधी रायबरेली जीतना चाहते हैं? अमेठी जीतना होता तो अपने चपरासी को लोकसभा का टिकट देते। उन किसको टिकट दिया है? वो चुनाव जीतने के लिए टिकट दिया है। तो मैं तो नहीं समझता कि वो अमेठी जीतना चाहते हैं। अमेठी छोड़ के भाग आए हैं। राहुल गांधी अमेठी वोट मांगने नहीं जाएंगे जितना मैं उम्मीद करता हूं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने परिवार की भांति अमेठी को सजाया है, संवारा है, इज्जत दी है, प्यार दिया है। रायबरेली अमेठी में जनता के बीच में एक रस्सा होता था, रसरा। अगर ये लोग आते थे और रस्सा बांध दिया जाता था, रस्सा के उस तरफ जनता होती थी और रस्सा के बीच में सड़क पर हाथ हिलाते हुए गांधी परिवार के लोग होते थे। आज अमेठी रायबरेली में प्यार मिल रहा है, गले लगाया जा रहा, भाई बहन के रिश्ते कायम किए जा रहे हैं। लोग इस प्यार को बहुत सदियों से इंतजार करते रहे हैं, ये पहली बार अनुभव कर रहे हैं। तो परिवार का हिस्सा स्मृति ईरानी है, परिवार का हिस्सा दिनेश प्रताप सिंह है, परिवार का हिस्सा गांधी परिवार नहीं है। दिनेश जी, किस तरीके से देखते हैं आप? वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये तो मेरी कर्म भूमि है, मुझे मुझे यहाँ की सेवा करनी है, राहुल गांधी कह रहे हैं। तो अकर्म भूमि उनकी मां की, तो छोड़ के राजस्थान का जवाब पूछे राहुल गांधी से, राजस्थान क्यों चली गई? और अगर अस्वस्थ थी तो रायबरेली में एक लोकसभा की एमपी थी और राजस्थान में पूरे राजस्थान की एमपी बनकर के पूरे राजस्थान की सेवा का ठेका ले लिया। जो एक लोकसभा के लिए बीमार हो और 25 लोकसभा की सेवा का ठेका ले ले, आप हमको बताइए क्या यह हास्यास्पद नहीं है? सोनिया गांधी गई हैं तो रायबरेली छोड़ा है तो डर के मारे छोड़ा है। वो जानती थी रायबरेली हार जाएंगे तो हमारा 10 जनपद चला जाएगा, इसलिए 10 जनपद बचाने के लिए राज्यसभा गई है। रायबरेली को बचाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। तो फिरोज गांधी की सीट बताते हैं कि फिरोज गांधी की सीट है, इंदिरा गांधी की सीट है, ये यहां से सोनिया गांधी रही है। बिल्कुल, मैं कहता हूं फिरोज गांधी की सीट है, इंदिरा गांधी की सीट है, सबकी सीट है। क्यों नहीं फिरोज गांधी के नाम पर वोट मांगते? अब पूछिए, दादा के नाम पर वोट नहीं मिलता है तो नहीं उनका नाम लेते हैं? ये परिवार, दादा और पोते का जो रिश्ता होता है भारतीय संस्कार संस्कृति में, इतना मजबूत रिश्ता शायद कोई होता हो। और जो पोता अपने दादा का नहीं हो सकता, रायबरेली से 100 किलोमीटर की दूरी पर फिरोज गांधी जो रायबरेली के पहले सांसद थे, उनकी कब्र है। उस कब्र पर कभी एक फूल गांधी परिवार ने नहीं चढ़ाया, राहुल गांधी ने नहीं चढ़ाया। दादा को दादा नहीं मानते तो रायबरेली को दादा और दीदी कैसे मान लेंगे? ये पूरा देश जानता है। चुनावी दादा, चुनावी दादी, चुनावी रिश्ता मानने के लिए राहुल गांधी रायबरेली आए हैं, सब कोई जानता है। नामांकन करने आए, जहाज उठाया, दिल्ली चले गए। दिनेश सिंह ने नामांकन किया, रायबरेली के गांव की गलियों को घूमना शुरू कर दिया। तो रायबरेली जानती है कि मेरा कौन है और पराया कौन है। पिछली बार 12% मुझे जाना है, एक सवाल, 12% का डिफरेंस रह गया था। इस बार सपा साथ में है, यूपी के दो लड़के फिर साथ में हैं, अखिलेश यादव के, कल पूरी सपा की टीम भी थी साथ में, साथ कह रहे थे। मुझे कुछ नहीं कहना है, यूपी के दो लड़कों ने क्या किया है और यूपी के दो लड़कों को उत्तर प्रदेश ने क्या दिया है, मैं क्यों कहूं? जब हमारे उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं, उसको आप ट्रांसपेरेंटली देख रहे हो, तो मुझसे क्यों कहला रहे हो? यूपी के दो लड़के थे, यूपी के दो लड़के फिर हो गए, तो यूपी के दो लड़कों को जो पहले मिला होगा वही यूपी के दो लड़कों को फिर मिल जाएगा।